ओके सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल सेलेंड। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं प्रीमियम तत्काल में टिकट कैसे बुक करें और साथ में सेम रेट में, क्योंकि ज़्यादातर जो प्रॉब्लम आता है, हम किसी भी रूट में ट्रेन टिकट बुक करते हैं प्रीमियम तत्काल कोटा में, तो उसका किराया जो है बढ़ जाता है, क्योंकि जितना सीट कम होता जाता है उतना ज़्यादा किराया बढ़ने लगता है। आपने काफ़ी बार ऐसा देखे होंगे जो 500-600 रुपये के टिकट है वो 1500-1600 तक चले जाते हैं। तो आप जब भी तत्काल टिकट बुक करेंगे तो सेम रेट में कैसे बुक कर सकते हैं, यानी कि नॉर्मल टिकट किराया जो है तत्काल का किराया 650 है, तो आप प्रीमियम तत्काल में भी 650 में कैसे बुक कर सकते हैं, तो यही जानने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए। मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आप लोगों को जो बताने वाला हूँ, मोबाइल से आप बुक करना चाहते हैं तो मोबाइल से ही बुक कर सकते हैं, या फिर पीसी या लैपटॉप यूज करते हैं तो पीसी या लैपटॉप से भी सेम टैक्स का इस्तेमाल करके आप तत्काल टिकट बुक कर सकते हैं प्रीमियम में कोटा में, प्रीमियम तत्काल कोटा में, और वो भी सेम रेट में। यानी कि नई दिल्ली से मुजफ्फरपुर तक के लिए टिकट आप बुक कर रहे हैं, मान लो कि नॉर्मल किराया तत्काल में उसका 650 का है, तो आप प्रीमियम तत्काल में भी टिकट बुक करेंगे तो आपको 650 का ही होता है। आप लोग क्या मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से किराया बढ़ जाता है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको करना क्या, जब भी आप IRCTC के वेबसाइट से या फिर IRCTC रेल कनेक्ट ऐप से टिकट आप बुक करते हैं तो आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, एक मिनट पहले आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपको यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पे फिल करना है। तो मैंने ऑलरेडी पासवर्ड फिल करके पहले से ही सेव कर रखा हूँ, तो यहाँ पे हमें 4-डिजिट पिन सेट करना है। इसके बाद यहाँ पे हमें कैप्चर फिल करना है, तो मैं कैप्चर फिल कर लेता हूँ। इसके बाद लॉगिन करना है, तो आपको एक मिनट पहले लिखना है। यदि IRCTC रेल कनेक्ट ऐप से टिकट बुक करेंगे तो आपको पैसेंजर डिटेल पहले ही सेव करके रख लेना है मास्टर लिस्ट में। यदि आप मास्टर लिस्ट में पैसेंजर डिटेल पहले से सेव करके नहीं रखते हैं तो आपको क्या होगा, पैसेंजर डिटेल टाइप करने में काफ़ी टाइम लग सकता है, इसकी वजह से भी किराया आपको बढ़ सकता है, तो इन बात को भी आपको जानना। तो इसके बाद सिंपल आपको करना क्या है, 11 बजने से 1 मिनट पहले आपको लॉगिन करना है। इसके बाद आपको करना क्या है, प्लान वाइज जोनी आपको सेलेक्ट कर लेना है, यानी कि मान लो मैं नई दिल्ली से पटना जाना है तो मैंने सेलेक्ट कर लिया हूँ। इसके बाद प्रीमियम तत्काल ऑलरेडी सेलेक्ट कर लेना है, सॉरी मैंने डेट ऑफ जर्नी सेलेक्ट करना है। इसके बाद कोटा पर क्लिक करना है, अपने को यहाँ पर प्रीमियम तत्काल पहले ही सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि हम लोग यहाँ गलती करते हैं, पहले हम लोग यहाँ पर तत्काल में टिकट बुक करते हैं और तत्काल में हमें टिकट बुक नहीं हो पाता है, तब इसके बाद हम लोग प्रीमियम तत्काल कोटा में टिकट बुक करने की कोशिश करते हैं, तो कहीं यहाँ पर हमें 2 से 2.5 मिनट लेट हो जाता है, इसकी वजह से हमें तत्काल टिकट में सॉरी प्रीमियम तत्काल का रेट जो है बढ़ जाता है। तो आप लोग जब भी प्रीमियम तत्काल कोटा में टिकट बुक करेंगे तो डायरेक्ट आपको प्रीमियम तत्काल कोटा में ही लॉगिन करना है। हम लोग जो मिस्टेक ज़्यादातर जो करते हैं, पहले हम तत्काल टिकट कोटा में बुक करते हैं, अगर नहीं निकलता है टिकट तो हम प्रीमियम तत्काल कोटा में टिकट बुक करते हैं, तो इन बात को भी आपको ध्यान रखना, डायरेक्ट आपको प्रीमियम तत्काल कोटा में बुक करना है। प्रीमियम तत्काल कोटा में किस रूट में बुक कर सकते हैं, जैसे कि देख सकते हैं इस समय जैसे कि आप होली आने वाला है, मुंबई से गोरखपुर, मुंबई से पटना, मुंबई से मुजफ्फरपुर, इन सब रूट में काफ़ी ज़्यादा भीड़ होता है, इसलिए आप डायरेक्ट यहाँ पे प्रीमियम कोटा सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको डायरेक्ट देखना है, आपको यहाँ इस पेज पे आपको पहले ही आ जाना है। जैसे आपको 11:01 से 2 सेकेंड होता है तो आपको सर्च ट्रेन पे क्लिक करना है। सर्च ट्रेन पे क्लिक करेंगे तो इसके बाद जिस ट्रेन में आपको टिकट बुक करना है वो ट्रेन आपको काफ़ी तेज़ी से सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे आप लेट करेंगे तो आपका टिकट का रेट बढ़ सकता है, ठीक है। तो सिंपल आपको जैसे कि मान लो 3rd AC में टिकट बुक करना है तो सिंपल आपको 3rd AC सेलेक्ट करना है। इसके बाद पैसेंजर डिटेल पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे आपको क्या करना है, मास्टर लिस्ट में पहले से ही नाम आपको सेव करके रख लेना है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लिक करेंगे और जो भी आपको मास्टर लिस्ट में पहले से ही सेव करके रख सकते हैं पैसेंजर डिटेल, तो उसे आपको सिंपल सेलेक्ट करके कर लेना है। इसके बाद सिंपल आपको मोबाइल नंबर और इसके बाद पैसेंजर डिटेल सॉरी पैसेंजर एड्रेस फिल करना है, जहाँ पर आप जाना चाह रहे हैं फटाफट फिल करना है। और इसके बाद आपको सिंपल आपको जूनी डिटेल पे क्लिक करना है। तो अगर ऐसे आप करते हैं तो आपका जो है प्रीमियम तत्काल का कोटा में यदि टिकट बुक करेंगे तो आपको यहाँ पे रेट नहीं बढ़ेगा, यानी कि सेम रात में आप टिकट बुक कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही, वीडियो पसंद है लाइक करना, साथ ही साथ टेक्निकल सेलेंड चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।